ये लो लक्ष्मी, तुम्हारा सारा हिसाब कर दिया। अब कल से कपड़े लेने मत आना। क्या हुआ बीबी जी, क्या कपड़े ठीक नहीं धुले? अगर कोई कमी है तो मैं ठीक से धो दूंगी। नहीं नहीं, तुम तो अपना काम अच्छे से करती हो। वो ऐसा है, मेरे पति ने मुझे शहर से नई वॉशिंग मशीन ला कर दी है, फुल्ली ऑटोमेटिक, इसीलिए मुझे अब कपड़े नहीं धुलवाने। अब कैसे गुजारा होगा, एक साथ तीन घर छूट गए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पूजा के बापू के पास भी कोई काम नहीं है, कम से कम ये कपड़े धोने का काम हाथ में था तो कुछ कमाई तो हो रही थी। ये है लक्ष्मी, जो कि गांव के कुछ घरों में कपड़े धोने का काम करती है। लक्ष्मी अपने पति और दो बच्चों के साथ हरिपुर गांव में रहती है। लक्ष्मी का पति बिरजू मजदूरी करता है, पर आजकल उसके पास भी कोई काम नहीं है। ऊपर से लक्ष्मी का भी कपड़े धोने का काम छूट गया। लक्ष्मी और बिरजू दोनों परेशान रहने लगे। लक्ष्मी मैं जरा आता हूँ, चौधरी साहब ने बुलाया था किसी काम से, ठीक है? ठीक है, हो आओ, मैं तब तक रोटी बना लेती हूँ। अरे आटा तो है ही नहीं, अब जाते हुए टोकूंगी वो भी अच्छा नहीं है। इनके आने से पहले लाला की दुकान से आटा ले आती हूँ। लाला की दुकान पर भीड़ थी, वो लक्ष्मी की आवाज को अनसुना कर रहा था। लाला जी एक किलो आटा दे दो। लक्ष्मी ने लाला जी को कई आवाजें लगाई, फिर लाला गुस्से में बोला, क्या बात है, कितनी देर से शोर मचा रही है, नहीं है आटा? जब देखो उधार मांगने आ जाती है, पिछले पैसे तो तेरे से लौटाए नहीं गए, अब मैं एक रुपए का भी उधार नहीं दूंगा। पर लाला मैं तुम्हें हर महीने थोड़े थोड़े रुपए तो पकड़ा ही देती हूँ, एक हफ्ते बाद मैं तुम्हें कुछ रुपए और दे दूंगी। थोड़ी सी तंगी हो गई है, वरना मैं तुम्हारे पैसे कभी नहीं रोकती। तो ठीक है, एक किलो आटा दे रहा हूँ, पर तुझे 20 की जगह 30 रुपए देने होंगे। लक्ष्मी बेचारी क्या करती, उसे 10 रुपए महंगा आटा खरीदना पड़ा। लक्ष्मी आटा लेकर घर पहुँचती है। अरे तुम ये क्या उठा लाए, लोहे के ड्रम, ये किसके हैं? अरे चौधरी साहब ने इन पर लोहे की चादर लगवाने के लिए दिया है, सारे ड्रम वेल्डिंग होंगे, इनमें छेद हो गए हैं, कल देखता हूँ, शहर जाना पड़ेगा ठीक करवाने। ये है कि चौधरी साहब थोड़े बहुत पैसे दे देंगे इस काम के। निशा ये क्या कर रही है? माँ मैं रोटी बना रही हूँ। माँ देखो निशा सारा आटा खराब कर रही है, आपने अभी इसकी रोटी बनानी है। बापू जो ड्रम लाए हैं ये उनके ऊपर रोटी बना बना कर चिपका रही है, मैं माँ की मदद कर रही हूँ। पर इसमें आग तो है नहीं, इसमें रोटी सिकेगी कैसे? हाँ कच्ची रोटी थोड़ी खाएंगे सब, क्या? निशा के हाथों से बनी रोटी टेढ़ी मेढ़ी थी, लक्ष्मी का ध्यान उधर ही था। लक्ष्मी जब रोटी बना रही थी तो बिरजू उससे बोला, लक्ष्मी तुम्हें पता है शहर में ड्रम के ऊपर रुमाली रोटी भी तैयार करते हैं कुछ होटलों में। अच्छा, इसका मतलब ड्रम रोटी बना सकते हैं। सुनो जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी अपना एक छोटा सा ढाबा खोलें जहाँ पर हम ड्रम रोटी बनाएं। हमारे पूरे गांव में किसी भी ढाबे पर ड्रम रोटी नहीं मिलती है, अगर हम इस काम को करते हैं तो हमारा काम बहुत चल जाएगा। कह तो तुम सही बात रही हो लक्ष्मी, पर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम ढाबा शुरू कर सकें। आप चौधरी साहब से ब्याज पर पैसे ले लो, फिर उनको धीरे धीरे करके उतारते रहेंगे। भगवान ने चाहा तो हमारा ढाबा चल जाएगा, और मुझे विश्वास है कि ये नई तरह की गर्म रोटी गांव के लोगों को बहुत पसंद आएगी। बिरजू लक्ष्मी की बात से सहमत हो जाता है, और उन लोगों के पास कोई काम भी नहीं था तो उन्होंने इस काम को करने के लिए सोचा, और बिरजू चौधरी साहब से ब्याज पर 10,000 रुपए ले आया। एक छप्पर डालकर लक्ष्मी और बिरजू ने ढाबा बना लिया, और दो तरह की सब्जी के साथ ड्रम रोटी बनानी शुरू कर दी। गांव में नए तरीके की पतली पतली रुमाली रोटी देखकर लोग हैरान हो रहे थे, ग्राहक आने शुरू हो गए। अरे बिरजू ड्रम रोटी, ये गांव में तो हमने पहली बार देखी है, जरा एक थाली लगा दो, सब्जी क्या क्या है वो भी बता दे। रमन लाल जी, सब्जी में तो अभी गोभी आलू और दाल मखनी ही है, धीरे धीरे अगर काम बढ़ जाता है तो हम सब्जियां और बढ़ा लेंगे, अभी तो थोड़ा डर लगता है कि काम बस चल जाए। बिरजू सब्जी और ड्रम रोटी बहुत ही स्वादिष्ट है, देखना तेरा काम चल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, लक्ष्मी जिस तरह से ड्रम रोटी बनाती थी लोग उसके हाथों की कलाकारी की प्रशंसा करने लगे, और दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर आने लगे। लक्ष्मी और बिरजू का ढाबा चल गया। बिरजू और लक्ष्मी ने चौधरी साहब के उधार के पैसे भी चुका दिए, दोनों की मेहनत और सफलता से उनके पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए थे। लक्ष्मी भगवान की कृपा से हमारे पास अच्छे पैसे आ गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इस ढाबे को पक्का बनवा लूँ। तभी चौधरी साहब भी आ जाते हैं। बधाई हो बिरजू, तुम्हारे ढाबे का नाम सुनकर मेरे से रहा नहीं गया, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो बेटी और दामाद शहर से आए हुए हैं, रात को सारा इंतजाम तुम्हारे ढाबे पर ही करना है। अब गांव में सुना है तुम्हारा ढाबा बहुत मशहूर है, खासकर लक्ष्मी के हाथों की बनी ड्रम रोटी, तो मैंने सोचा क्यों ना दावत तुम्हारे ढाबे पर ही रखी जाए। चौधरी साहब आपने मेरी उस समय मदद की जब मैं बहुत परेशान था, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, मैं रात की दावत का सारा इंतजाम कर लूंगा। रात में चौधरी साहब के परिवार वाले लक्ष्मी और बिरजू के ढाबे पर खाना खाने आते हैं।
वो सब ड्रम रोटी की बहुत तारीफ करते हैं। चौधरी साहब उनकी मेहनत से की गई खातिरदारी के लिए उन्हें अच्छे पैसे देते हैं, जिससे बिरजू और लक्ष्मी को अपना ढाबा पक्का करने के लिए पैसों का और भी बेहतर इंतजाम हो जाता है। वो दोनों ढाबे को नया रूप दे देते हैं। ऐसे ही शहर से ग्राहक जब भी काम के सिलसिले में गांव आते तो गांव में ढाबे पर ड्रम रोटी बनती देख एक बार खाने के लिए जरूर रुकते, और इसी मेहनत से आगे भी बिरजू और लक्ष्मी अपने ढाबे को चलाते रहे। सीता और गीता नाम की दो जुड़वा अनाथ बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सीता गीता के माता पिता नहीं थे, बचपन में ही वे दोनों गुजर गए थे। तब से सीता गीता अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। पर उन बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही रखती थी। कहाँ रह गई दोनों, कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची रास्ते में तेज बारिश हो गई थी इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई, जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना, वो फटी हुई थी, हमें पता नहीं चला तभी चीनी में पानी चला गया, हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं, तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। चंचला तुम्हें शर्म नहीं आती, बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो, थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो, मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी। चंचला सीता गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबक सुबक कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। गीता हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ हाँ सीता तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गई। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं, बहुत से ठेले वाले वहाँ पर खड़े हैं। सीता बहुत भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं। पर गीता हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसों के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा, एक बार पूछते हैं ना शायद कोई दे दे। ठीक है चला। भैया आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो दोनों बहनें एक शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा है। आहा बिल्कुल, और लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा, पैसे लाओ तभी कुछ खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है। बीमा इन बच्चियों को एक एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल मेरा नाम सीता है और ये मेरी छोटी बहन गीता, हमारी चाची हमें बहुत मारती थी इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ है बच्चों? हमारे माँ बापू नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा 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 तो ये बात है। अच्छा भीमा तेरे पास अभी नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों आओ तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। सीता और गीता उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती है। उस व्यक्ति का नाम राजेश था, वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। सीता और गीता राजेश के साथ बातें कर रही थी, तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो चलो अंकल, जल्दी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। सीता गीता ऑटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ऑटो वाला राजेश को जानता था, वो राजेश की पत्नी को फोन करता है, वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है। राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है। अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये सीता गीता है, इधर आओ बेटा।
ये दोनों बच्चियाँ तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता। अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं, पर पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। राजेश को अपने काम की चिंता थी, वो परेशान था कि काम कैसे होगा। संध्या, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है, पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल आप आराम करो, हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। संध्या नूडल्स बनाती और संध्या सीता और गीता के साथ दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने लगी। एक दिन सीता संध्या से बोली, आंटी जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स का एक स्टॉल खोलें? इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। क्या तो तुम ठीक रही हो। राजेश, मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक कह रही हैं। हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है संध्या, पर बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी, स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर संध्या ने सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सीता और गीता जुड़वा बहनें थीं। लोग जब उन दोनों को स्टॉल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते, और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। संध्या, सीता और गीता दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। राजेश की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल स्टॉल पर देख लिया। सीता गीता, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा, मेरी बच्चियों तुम घर छोड़कर क्यों चली गईं? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं, अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे, और फिर बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चला जाता है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।